ये वाली जो मैंने बनाया दलाल सेलर अकाउंट्स के नाम से, ये आपको समझाने के लिए कि जैसे अगर तुम आप ऑनलाइन वगैरह कोई बिजनेस करते हैं तो ऑनलाइन बिजनेस करने में किस तरीके से आप कोई प्रोडक्ट का रेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि हमने खरीदा 2000 का और 4000 का 2500 में बेच दिया तो 500 रुपये प्रॉफिट हो गया। समटाइम 2500 में बेचने में भी लॉस हो जाता है। वो एक एग्जाम्पल है, कारोबार किया 20 लाख रुपए का, नुकसान हो गया 25 लाख रुपए का। तो ये एक फाइनेंशियल साइंस है जिसको आप समझेंगे तो 25 लाख का नुकसान कैसे होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम नहीं लिखे, लेकिन मैंने प्रोडक्ट की कैटेगरीज के नाम लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आप अपने ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं फर्नीचर कॉस्मेटिक, यही आइटम सेल करते हैं उनको, तो कोई भी मैंने ऐसे नाम रख दिए, 2 लाख, 2000, 1500 उनके प्राइस फिक्स कर दिए। अब देखें जब हम इसको ऑनलाइन बेचेंगे तो रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझना है। सबसे पहले हम इसके ऊपर सेल टैक्स लगाएंगे जिसको गवर्नमेंट को हम पे करते हैं। तो सेल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सम करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑड्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है? अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, उसको जब हम ब्रेक करेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर एक एरर आएगा। एरर ये आ रहा है कि जब हमने इसको डबल क्लिक किया तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, और जब ब्रेक किया तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। एरर कैलकुलेशन का नहीं है, एरर हमारे आंसर का है। तो इसको सेट करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और इस वैल्यू को, तो ठीक है ये सही रहेगी, अगर इस साइड पर आते हैं D5 इस सेल का नाम है जिसमें D कॉलम का नाम है और 5 इसका रो नंबर है। अब इन दोनों में हमें करना ये है कि हम ये चाहते हैं ये सारे के सारे इससे मल्टीप्लाई हो, तो 5 से पहले डॉलर लगा देंगे। जैसे डॉलर लगा देंगे और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ के बाद अब जब ड्रैग करेंगे तो डॉलर लगाने से ये होगा कि एक्सेल को हमने इंडिकेट कर दिया कि इस वाले रो नंबर को चेंज नहीं करना ड्यूरिंग द ड्रैग, तो किसी में भी इसको चेंज नहीं करेगा और इस तरीके से वो सारे के सारे इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। वॉट एवर गवर्नमेंट का टैक्स मालूम करना पड़ेगा, ये मैंने सबका 16% लिख दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर आइटम का अलग टैक्स है, फर्नीचर पर टैक्स अलग है, बुक्स पर टैक्स अलग है, डिजिटल गैजेट्स पर टैक्स अलग है, क्लोथ्स पर अलग है, शूज पर अलग है, हर आइटम का अलग टैक्स होता है, फिर हमें उसके हिसाब से इसको बनाना होगा। पर ये हमने जनरल टैक्स कैलकुलेट कर लिया 16%। कल को टैक्स बढ़ जाता है 20% तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज आ जाएगा सबके अंदर। फिर इसके बाद आएगा आपको कि ये कह रहे हैं दराज चार्जेस। अब दराज भी सेलिंग ऑफ दीज आइटम्स पे अलग अलग, या कोई भी अमेजोन हो गया, दराज हो गया, या कोई भी सेलिंग स्टोर हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, वो अलग अलग रेट कैलकुलेट करते हैं। मतलब वो अपने चार्जेस जो लेते हैं एज अ टैक्स के मद में वो अलग लेते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर तुम ये वाला आइटम बेच रहे हो 8% पे लेंगे, 5% पे लेंगे, 3% पे लेंगे, 11% पे लेंगे, और इस तरह से मुख्तलिफ तरीके से कैलकुलेट करता है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात समझनी है कि सेल टैक्स तो ये कैलकुलेट हो गया, अब इसी आइटम के ऊपर कैलकुलेट करेंगे ये अमाउंट, ठीक है? तो तरीका वही है, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे सम करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे इसके ऊपर, मल्टीप्लाई कर देंगे अब इसके साथ, और चूंकि ये पैरेलल है तो इसको हमें कोई भी फिक्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेट करके ले आएगा। तो 2,40,000 ये कैलकुलेट हुआ, 16,000 रुपए 8%, 5,000 3%, 11% डिफरेंट के हिसाब से कैलकुलेट हो गया। फिर आगे चलते हैं, इसके अलावा हम भी कहते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट निकाल लें। अब नेट प्रॉफिट क्या होगा, सॉरी नेट प्राइस निकाल लें। नेट प्राइस निकालने का तरीका ये होगा कि हम क्या करेंगे, सम करेंगे और सम करके यहाँ से इसको प्लस करेंगे इसके ऊपर टैक्स को, प्लस करेंगे हम इसके ऊपर दराज के चार्जेस जो यहाँ पे लगे थे इनको, तो यहाँ पे आ जाएगा 256 की चार्जेस आ जाएंगे और उसको यहाँ पे सबके, हाँ ट्रेन इनके गट गंदा से इनके इनके आई वो जो प्राइस है इनके बे ट्रे इनके 1, 2, 3 इन तीनों को प्लस कर देंगे। उसके बाद आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट का अमाउंट कितना रखना है। अब हम अपना प्रॉफिट रखेंगे, मतलब हमने डिफरेंट आइटम पे डिफरेंट प्रॉफिट रखा हुआ, किसी पे कम रखते हैं किसी पे ज्यादा रखते हैं, तो हम सिंपली इसको सम करेंगे और इसको यहाँ पे क्लिक करके मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर एंटर करेंगे तो इसका प्रॉफिट हमारा ये निकला है, इसका ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है? अब क्या करेंगे, रिटेल प्राइस बनाने के लिए सम करेंगे। अब इसमें पैकेजिंग नेट और पैकेजिंग की प्राइस भी डालनी होती है, लेबलिंग पैकेजिंग की, ठीक है ना? वो पैकेज के प्राइस, कुरियर चार्जेस वगैरह भी इसमें ऐड करने होते हैं, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज और समझा दूं कि जैसे सेल टैक्स और ये मिला के एक प्राइस बनता है। मतलब अगर हम यहाँ पे कहें कि यहाँ पे क्लिक करते हैं सेल टैक्स के साथ अगर हम प्राइस लगा रहे हैं तो यहाँ पर फिर हम इसके लगाएंगे नेट प्राइस, ये नेट प्राइस आएगा यहाँ पे, ठीक है? और नेट प्राइस करके यहाँ पे इसको मार्जिन सेंटर करेंगे। अब यहाँ पे मार्जिन सेंटर करेंगे तो यहाँ से इसको प्लस करके इसके साथ प्लस करेंगे, ये बनेगा 2,40,000 जो इसकी एक्चुअल प्राइस होगी जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद हम करेंगे। फिर यहाँ पर चेंजेस क्या करनी पड़ेंगी, फिर चार्जेस ये करनी पड़ेंगी कि इसका सम जो है ना इस प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है? ये थोड़ा रियल में चले जाएंगे हम इसको, तो जब इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये निकल आएगा इसका दराज को पे करने का जो अमाउंट है कि अगर हम 2,40,000 का भेजेंगे तो 19,200 रुपए दराज रखेगा अपने 8% के हिसाब से। फिर नेट जो उसकी प्राइस निकलेगी, ठीक है ना, तो उस पर निकलेंगे हम, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये वाला जो प्राइस है इसको डायरेक्टली ले लेंगे हम इसके साथ इसमें,
उन तीनों को प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे दो को प्लस करके 2,59,000 निकाल लेंगे उस तरीके से इसका। नेट सेम वही बात, कुछ तो फर्क आया होगा। 2,40,000 के ऊपर 8% कैलकुलेट करेंगे तो सेम तो ही आना चाहिए ना। पहले तो हमने कैलकुलेट किया था 2,00,000 के ऊपर, अच्छा चलो देख लेना इसको, अगर वैसे सेम आ रही है तो वैसे कर लेना, ठीक है। दोनों मेथड से कर सकते हो, जैसे तुम बनाओ उसको अपने हिसाब से। उसके बाद हमने अपना प्रॉफिट रख के यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब प्रॉफिट आ गया हमारा यहाँ पे, एक और चीज और ऐड कर लेते हैं इसके ऊपर, हम इसकी जो है लेबलिंग पैकेजिंग कॉस्ट भी लगा लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे लिख लेते हैं पैकेजिंग कॉस्ट, ठीक है। अब वो हम परसेंट पे नहीं बना रहे, वो हमें पता है कि भाई इस पे इतनी आएगी, इस पे इतनी आएगी। इस पे हमने एक कैलकुलेट कर रखा है कि भाई जैसे इसके ऊपर जो पैकेजिंग कॉस्ट आएगी वो 5,000 रुपए आएगी, इस पे 200 आएगी, इस पे 200 आएगी, इस पे 150 आएगी, इस पे 300 आएगी, इस पे 200 आएगी, इस पे 200-300 आएगी, इस पे 250 रुपए आएगी, ठीक है। वो हमने यहाँ पे लगाया। अब उसके बाद यहाँ सब करेंगे, अब इसमें हमारा प्रॉफिट भी आ गया, नेट प्राइस भी आ गया, प्लस भी हो गया, और इसके ऊपर प्रॉफिट अमाउंट भी प्लस करेंगे और फिर इसके ऊपर कॉस्ट भी लगाएंगे। अब ये वो रेट निकल जाएगा जिसको हम ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। इस तरीके से ये शीट हमारा वर्क करेगी। अब कोई भी आइटम है आप जैसे इसके अंदर ऐड करेंगे, मतलब आप कोई भी आइटम डाल रहे हैं उसकी प्राइस जैसे ऐड करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक 55,000 रुपीज की प्राइस रखी है, मैं इसको कम करके कर देता हूँ 5,000 रुपए इसकी प्राइस, एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली 20% टैक्स 1,000 रुपए बन गया और नेट प्राइस इसकी 6,000 रुपए हो गई। 6,000 का 14% जो दराज को 840 रुपए देने, फिर 6,840 रुपए की जो है ये हमें पड़ गई। फिर इसके ऊपर 11% हमने अपना प्रॉफिट रखा, 752 रुपए हमने इसकी प्राइस रखी और 250 रुपए इसकी कुरियर या पैकेजिंग चार्जेस रखी और 7,842 रुपए की हम इसको रिटेल कर पाएंगे, तो जाके हमारा प्रॉफिट इसके अंदर कितना बनेगा 752 रुपए अकॉर्डिंग टू 11% हमने इसके ऊपर अपना डिस्काउंट रखा। किसी का भी अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट रेशो कम ज्यादा करना, मतलब आप चाह रहे 9% पे बेचूंगा मैं, तो आपका प्रॉफिट रेशो कम हो गया 615 रुपीज का हो गया। इसी तरीके से दराज ने अपने चार्जेस अगर कम कर दिए तो 13% कर दें तो उसका भी कम हो जाएगा, कहीं पे अगर अपने प्रॉफिट चार्जेस बढ़ा दिए तो वहाँ पे वो बढ़ जाएंगे, इस तरह चेंजेस करने से। इस तरह आप अपने पूरे ऑनलाइन के बिजनेस को ट्रैक कर सकेंगे इजीली, इसके अंदर डेटा डाल सकेंगे। सिर्फ डेटा डालेंगे ये खुद ही आपको बताता जाएगा और आपको एंड रिपोर्ट मिलती जाएंगे और वो फिर आप लिस्टिंग पे ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात ये?